दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और उमरान मलिक ने बचाया अभ्यास मुकाबले में गदर, तो वहीं मोहम्मद शमी ने तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के एक ही ओवर में 3 विकेट ले लिए और तोड़ दिया अपनी ही हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड। इसके अलावा इमरान मलिक ने इतनी तेज गति की 12वें ओवर में गेंद डाली कि उन्होंने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। बताएंगे तीनों गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में कौन है बेहतर गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले अभ्यास मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने तहलका मचा दिया, जहां पहले भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 135 रन बनाए और इस आसान से लक्ष्य को कठिन बनाने के लिए भारतीय टीम के गेंदबाजों के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी। जहां भारतीय टीम के गेंदबाज इमरान मलिक, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह पर भारतीय टीम की निगाहें पूरी तरह से टिकी हुई थी, क्योंकि अगर भारतीय टीम को जीत चाहिए तो इन तीनों गेंदबाजों को शानदार गेंदबाजी करनी थी। हालांकि जब इस लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलियाई टीम उतरी तो पहली ही गेंद पर मोहम्मद शमी ने बल्लेबाज डेविड वार्नर को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने अपनी ओवर की पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और जिस तरीके से दोनों गेंदबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजों को तहस नहस किया, उसे देख लगने लगा कि इस मुकाबले में भारत को आराम से जीत मिलेगी। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्नस लाबुशाने और पावर प्ले के अंतिम ओवर में उमरान मलिक की तेज गेंद की गति के शिकार हो गए और तीनों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रिमांड पर लेकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब दोनों बल्लेबाज कप्तान एरोन फिंच और ग्लेन मैक्सवेल ने पारी को संभाल लिया। जहां दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की तो वहीं भारतीय टीम के ऊपर दबाव बना दिया, लेकिन अंत तक 12वें ओवर में इमरान मलिक ने ग्लेन मैक्सवेल के 3 विकेट को उखाड़ दिया और जहां मलिक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर बल्लेबाज की गिल्लियां उखाड़ दी और इसी के साथ ही उन्होंने शोएब अख्तर का तेज गति की गेंद फेंकने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए मिशेल स्टार्क आए तो गेंदबाजों पर दबाव आ गया और अब दोनों बल्लेबाजों ने धीमी गति से बल्लेबाजी करनी शुरू करी। लेकिन अब जब अंतिम 2 ओवर में जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता पड़ी, जहां गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने 2 चौके के साथ 1 छक्का खा लिया और इसके बाद ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान एरोन फिंच को पूरी तरीके से चकनाचूर करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया और अब जीत के लिए अंतिम ओवर में मात्र 6 रन की आवश्यकता थी और अब पूरी की पूरी निगाहें मोहम्मद शमी के ऊपर टिकी हुई थी। जहां मोहम्मद शमी ने पहली ही गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज मिशेल स्टार्क को क्लीन बोल्ड कर दिया और वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जोश हेजलवुड को भी मोहम्मद शमी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर बल्लेबाजी करने आए एडम जंपा पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गए और हवा में शॉट खेल दिया और बाउंड्री पर खड़े विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। इसी के साथ ही मोहम्मद शमी ने 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर अपनी ही हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारतीय टीम इसी के साथ ही इस मुकाबले को 6 रन से जीत गई। और वहीं तीनों गेंदबाजों के प्रदर्शन को देख भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हो गया और तीनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कौन सा गेंदबाज तहलका मचा सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।